तो दुश्मन का पेशाब निकालने को तो साहब जी हमारी आंख ही काफी है। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा सा पीछे जाओ, जब कारगिल में मैंने अपना पंजाब वाला यार जसवंत सिंह खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। मैं खुद उसके शरीर को उसके गांव जाकर उतार कर आया था और उसके बीवी बच्चों के साथ साहब जी मैं पुचकार कर आया था। पर उस दिन रोया मैं जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी और लघु सचिवालय में चपरासी के आगे हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई दिल में, सोचा सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को तो मैं गोली से उड़ा दूं। एक लाख की आंस में भाभी आग की धक्के खाती है, वो तो मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलस जाती है। और साहब जी शहीद जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे आप, घर में जवान बहन थी जिसकी और अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके जाता है और स्टेशन पर एक रुपए के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। पता नहीं यूं ही कितने जोगिंदर जसवंत अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन मासूम बच्चे क्यों दर दर के ठोकरे खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला कि बात को और ज्यादा ना बढ़ाओ, उस रात क्या क्या बस यही अपनी सफाई में बताओ। भरी आंखों से हंसते हुए बलवान बोलने लगा, उसका हर बोल सबके कलेजों को छोड़ने लगा। बोला साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार साथ, पर हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। दो जवान मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पे जमे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सर चकरा गया। जब गुरमेल का कटा हुआ सर दुश्मन के हाथ में आ गया, फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने और कुछ भी सूझ नहीं आई थी। बिना देश के पहली मरतबा सर मैंने बंदूक उठाई थी। गुरमेल का कटा हुआ सर लेकर दुश्मन रेखा पार कर गया और पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसकी धरती पर धर गया। पर वापिस हार का मुंह देख के ना आया हूं साहब जी, वो तो एक काट कर ले गया था, मैं तो दो काट कर लाया हूं। इस बयान का कोर्ट में न जाने कैसा असर गया कि पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरे का पूरा माहौल बस एक ही ख्वाब में खो रहा था कि कोर्ट मार्शल खुद का था या पूरे देश का हो रहा था। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बदला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहे पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंदिर खंडित होते हो, जब कसबारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की घुतारी की। दिल्ली केवल दो दिन की मोहलत दे तैयारी की, सेना को आदेश घुमा दो घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती है पाक चीन के बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती है किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा
उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है और जब राजा कायर हो तो बिल्ली सिंह को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर कोई भाषा समझा दो, दुनिया के हर पद सिकंदर कोई भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली और कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज गिरने कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पे जो छुपाए जाते हैं इतिहासों के पन्नों में वो सब काया कहलाते हैं। मनवारों से कभी लहू के दामन साफ नहीं होते, इतिहासों के पन्नों में कभी कायर माफ नहीं होते। पढ़ते पढ़ते कोई थोड़ा जब नासूरी होता है। अब मैं समापन करूंगा और मैं देखूंगा कि समापन पर आप मेरा लोग कितना साथ देते हैं। पढ़ते पढ़ते कोई थोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े पर चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अब सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो सोने भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जाए नाद करो, और 48 में खोया था जो काश में राजा करो। मैं स्वामी धर्मदेव जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने मुखार मुख से दो विचार जनता जनार्दन के बीच में कहें।